हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पे। तो आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ और वो है चावल की खीर। त्यौहार के टाइम मिठाई में खीर का नाम सबसे पहले लिया जाता है और मैं आज आपके लिए एकदम परफेक्ट खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो खीर बनाने के लिए मैंने ली है 1 लीटर फुल फैट मिल्क। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और उबाल आने तक वेट करेंगे। उबाल आ चुका है, अब हम इसको बार बार चलाते जाएंगे ताकि नीचे से जल ना जाए। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको पका के इसकी क्वांटिटी कम करके 3/4 कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून सोक्ड राइस। मैंने यहाँ पर गोविंदभोग चावल यूज़ की है। आपको अगर ना मिले तो आप छोटे दाना चावल भी यूज़ कर सकते हैं। दूध में ऐड करने से पहले कम से कम चावल को आधा घंटा भिगो के रखना है, तो इससे क्या होता है चावल जल्दी कुक हो जाता है। तो पहले हमने दूध को बॉयल किया, उसके बाद अच्छी तरह से 5 मिनट मीडियम फ्लेम में इसको पका के इसका क्वांटिटी कम करके इसमें चावल डाल दी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक। अब हम इसको 5 मिनट मीडियम फ्लेम में पका के फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ढक के 10 मिनट रख देंगे। दस मिनट हो चुका है, अब हम फिर से गैस को ऑन कर देंगे। चावल ऑलमोस्ट 80% कुक हो चुका है, अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो में रख के इसको पकाएंगे। बार बार इसी तरह से चलाते जाना है ताकि नीचे से चिपक कर जल ना जाए। पाँच मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में पकाने के बाद अब राइस 95% कुक हो चुका है और दूध भी गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 से 4 इलायची। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब देखिए चावल पूरी तरह से कुक हो चुका है। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप मावा। लो फ्लेम में हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ 1/3 कप कंडेंस्ड मिल्क। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टीस्पून चीनी, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क में भी चीनी होता है तो यही काफ़ी है, पर अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब सब अच्छी तरह से मिला लेंगे। खीर पूरी तरह से हो चुका है, अब हम 2 टीस्पून घी लेंगे और इस घी को गर्म करके इसमें थोड़ा काजू और किशमिश भून के इसमें डाल देंगे। अब हम इसको एक बार अच्छी तरह से मिला के फ्लेम ऑफ कर देंगे।
खीर की कंसिस्टेंसी ऐसे होने के बाद ही फ्लेम को ऑफ कर देना, क्योंकि ठंडा होने के बाद खीर और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। खीर को अगर आप ठंडा करके खाएं तो इसकी टेस्ट और भी बढ़ जाता है, तो इसीलिए आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख कर भी खा सकते हैं, और आमंड पिस्ता और चेरी के साथ गार्निशिंग करके भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।